ऐसे प्रश्न पूछेंगे सभी, संगम युग का सभी संपूर्ण सुख ले रहे हैं, बोलो क्या उत्तर है आपका? संगम युग का संपूर्ण सुख, संपूर्ण संगम युग का संपूर्ण फायदा उठाना, ये सच्ची विजडम है, सद्विवेक है। सोचो क्या क्या मिल सकता है इस पर। जन्म जन्म के लिए जैसा हम अपना हर जीवन देखना चाहें, 84 जन्मों में 84 जीवन, वैसे ही बीज और संस्कार अब भी डाल सकते हैं। ये समय को बहुत सुंदर वरदान है और इसमें सबसे पहली भूमिका निभाती है बाबा की मूर्ति। मैं कभी कभी अपने अनुभव में एक चीज कही है कि मुझे इस जीवन में भगवान से मिलने की कम इच्छा थी, सत्य को जानने की बहुत इच्छा थी। इसलिए छोटी आयु से ही मैंने ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए थे, समझने को कम आता है छोटी आयु में। सत्य शास्त्रों में था, ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष से मिलकर चलता है। क्या ऐसे भी इसका आगे ज्यादा वर्णन वहां नहीं है। अव्यक्त मूल्य सुनने पर सब समझ में आता रहेगा कि संसार का खेल ही पुरुष आत्मा प्रकृति पांचों तत्व इनसे मिलकर चलता है। छोटा सा रहस्य आपके सामने, आत्मा जो कुछ सोचती है उसकी तरंगें प्रकृति में जाती हैं, प्रकृति में और इन वाइब्रेशंस में रिएक्शन होता रहता है और प्रकृति वही चीज निर्माण करके वापिस भेजती रहती है। टोटल ये माना जाएगा सारा खेल संकल्प शक्ति से संचालित। तो मुझे इसके गुह्य रहस्य समझ में आते गए। मुरली हमारे लिए वरदान है रोज। आजकल सुनने के बहुत सारे साधन हैं, आपकी जेब में आ जाती है, वो अलग चीज। लेकिन सेंटर में जाकर मुरली का सुख लेना वो बहुत बड़ी चीज है। देखो अपना एक दूसरा अनुभव बताऊं। कोरोना हुआ, मना कर दिया गया कि सीनियर सिटीजन है वो क्लास में नहीं आए। हम लोगों ने जाना बंद किया, भारी काम हो गया था, तब इन्फेक्शन जल्दी लग रहा था, एक लोग को लग गया था, सबको मना किया। फिर मास्क नाक तक पहन के आना है, अब वो भी मेरे लिए भारी काम था, नाक तक पहनना तभी होता था। मैंने अनुभव किया, मेरे जीवन का सबसे बड़ा रस मुरली रहा है। पहले से ही मुरली के समय ही मेरा बहुत पावरफुल योग भी होता था, मेरा दोनों साथ होते थे। मुरली के बाद जब मैं वापिस आता था तो विशेष सुख प्राप्त कर दिया था, क्योंकि मुरली क्या है, तो वो सुख छूट गया। मैं वो बता रहा था जब ऑनलाइन सुनने लगे, अपने कमरे में सुनना है, टीवी पे सुनना है, हालांकि मैं 3 बार सुन लेता था, फोन में भी आती है, 3 बार मुरली सुन लेता था, फिर भी उस रस से वंचित फील होता था।
वो रस बहुत बड़ी थी। तो मुरली में क्या है कि शिव बाबा हमें बहुत कुछ याद दिलाता है, कुछ केवल फिलोसफी नहीं है, स्मृतियां दिलाता है। मेरे गले में कुछ हुआ है तो स्मृति जब बाबा दिलाते हैं, आप सबको भी वही करना है। और मैं तो रोज करता रहा। मान लो बाबा ने कहा, तुम सतयुग में देवता थे बच्चे, केवल ध्यान नहीं दिया, तो मैं वहां पहुंच जाता था। मैं तुमको राज लेकर गया, तुमने गवा दिया, तो उस फीलिंग में आ जाता था। तुम परम धाम से आए हो, वो तुम्हारा घर है, तो मैं वहां पहुंच जाता था। तो मुरली एक विशेष एनर्जी देती थी। आप सब उस एनर्जी को अनुभव करेंगे। जो लेट आए हैं वो भी सभी मुरली का संपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। मुरली हमारी गाइड है, गुरु गाइड होता है। मुरली हमारी गुरु है, वो गाइड है, हमें मार्ग दिखाती है, बहुत बड़ा सुख देती है, अमर करती है, हमारे विवेक को डिवाइन बनाती है, दिव्य। तो मुरली पर बहुत